ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 3650। मॉर्निंग क्लास डेटेड 14/11/1968। क्लेरिफाइड ऑन 23/6/2021। आपके प्राइवेट क्लास है चौदह 11/1968। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 14/11/1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बात समझाई गई। द स्पिरिचुअल फादर इज एक्सप्लेनिंग टू द वेरी स्वीट स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। समझाने वाला भी रूहानी बाप है और समझने वाले भी रूहानी बच्चे। द वन हु एक्सप्लेन्स इज द स्पिरिचुअल फादर एंड दोज हु अंडरस्टैंड आर ऑल्सो द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। अगर बच्चे रूहानी स्टेज में नहीं है देह अभिमान में है तो समझेंगे। इफ द चिल्ड्रन आरंट इन द स्पिरिचुअल स्टेज इफ दे आर बॉडी कॉन्शियस दे वोंट अंडरस्टैंड एट ऑल। जो रूहानियत से भरे पूरे बच्चे हैं वो मीठे तो होंगे। द चिल्ड्रन हु आर फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी विल सर्टनली बी स्वीट। तो बच्चों को समझाया गया है कि सिवाय रूहानी बाप जिसको ही पतित पावन कहा जाता है कोई पतित को पावन बना सकते हैं। द चिल्ड्रन हैव सर्टनली बीन एक्सप्लेन्ड दैट ओनली द स्पिरिचुअल फादर हु इज कॉल्ड द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर कैन मेक द इम्प्योर वंस प्योर। और कभी भी कोई जिस्मानी बाप या धर्म पिता है कोई मनुष्य मात्र को पावन नहीं बना सकते। नो फिजिकल फादर और द रिलीजियस फादर्स कैन एवर मेक एनी ह्यूमन बींग प्योर। ठीक तो है ना बच्चे। दिस इज सर्टनली करेक्ट इट इजेंट इट चिल्ड्रन। और सचिव में ही पावन होते हैं वो है सत्य का युग। एंड ह्यूमन बींग्स आर प्योर ओनली इन द गोल्डन एज बिकॉज इट इज इनफैक्ट द एज ऑफ ट्रूथ। वहाँ तो कलयुग की तरह झूठे लोग नहीं होते हैं। देर आरंट फॉल्स पीपल देर लाइक देर आर इन द आयन एज। कलयुग में तो सब पतित मूर्त पलीते होते हैं। एवरीवन इज सर्टनली इम्प्योर एंड डर्टेड बाय द यूरिन ऑफ लस्ट इन द आयन एज। यथा राजा रानी तथा प्रजा। एज आर द किंग एंड क्वीन सो आर द सब्जेक्ट्स। प्रजा ही मूर्तपलीति बनेगी क्यों? नाउ द सब्जेक्ट्स अलोन विल बिकम डर्टीड बाय द यूरिन ऑफ लस्ट। व्हाई? जो प्रजातंत्र राज्य में बैठे हुए हैं वो सब मूर्तपलीति बनने वाले। इट इज बिकॉज All those who are sitting in the democratic kingdom are going to become dirty with the urine of lust. तो बताया कि यहाँ इस कलयुगी दुनिया में फिर सभी पतित ही पतित होते हैं। So it was said here in this Iron Age world everyone is impure and only impure. पतित पावन कहा जाता है एक। सो ओनली द वन इज कॉल्ड द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर। एक को का मतलब एक निराकार बिंदी को नहीं निराकार आत्मा को नहीं। वन डजेंट मीन द वन इनकॉर्पोरियल पॉइंट नॉट द इनकॉर्पोरियल सोल।
एक कुत्ता कहे जब वो निराकार आत्मा कोई साकार प्रैक्टिकल शरीर में मुकर्रर रूप से विराजमान। इट विल बी सेड वन व्हेन दैट इनकॉर्पोरियल सोल एंटर्स सम कॉर्पोरियल बॉडी इन प्रैक्टिस इन अ परमानेंट वे। ये बच्चों को मालूम है, रूहानी बच्चों को। And the children, the spiritual children, know it. तुम बच्चे students हो रूहानी बाप के, रूहानी students. It is because you children are the students of the spiritual father. You are the spiritual students. Yeah, na? You have understood, haven't you? किसी के student हो? Whose student are you? पतित पावन बाप के स्टूडेंट। यू आर द स्टूडेंट ऑफ द फादर द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर। यहाँ क्यों आए हो? व्हाई हैव यू कम हियर? यहाँ आए हो पतित से पावन बनने के लिए और बनाने के लिए भी। इट इज बिकॉज यू हैव कम हियर टू बिकम प्योर फ्रॉम इम्प्योर and also to make others that. खुद बनेंगे तब तो औरों को पावन बनाएंगे ना। First, you yourself will become that. Only then will you make the others pure, won't you? ऐसे कभी भी कोई स्टडी का कि पतित से हम पावन बनते यहाँ बैठे। There isn't ever any study through which we become pure from impure sitting here. दुनिया में तो खासकर भारत में तो वो गंगा जी में जाती हैं स्नान करने। In the world, especially in Bharat, people go to have a bath in the Ganges. समझते हैं गंगा पतित पावनी। They think the Ganges is the purifier of the impure. तो उन भक्तों की बुद्धि में तो गंगा जी ही रहती है। या ये गंगा का पानी रहता है। So those devotees have only the Ganges or the water of the Ganges in their intellect. बोलते रहते हैं समझते हैं जब प्राण तन से निकले तो गंगा जल मुख में। They keep saying, they think, when the soul leaves the body, the water of the Ganges should be in our mouth. अब तुम बच्चे तो कोई भी बच्चे हो और कहां भी जा रहेंगे कोई भी सत्संग में जा रहेंगे ऐसे नहीं समझते होंगे कि हम यहाँ कोई पावन बनने बैठे हुए। Now you children, it may be any children, they may go anywhere to any satsang, they wouldn't be thinking that they are sitting there to become pure. It is right, isn't it? तो देखो यहाँ के सत्संग में और वहाँ के सत्संग में पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है ना। So look, there is a lot of difference between the satsang of this place and the satsang of that place in the old world, isn't there? यहाँ बैठे हुए हो। So, you are sitting here. बरोबर पतित पावन पतितों को कैसे पावन बनाते हैं? Certainly, how does the purifier of the impure purify the impure ones? संग के रंग से पावन बनाते हैं। He purifies them with the color of his company.
पहले किसको बना देंगे? Whom will he purify first? पहले तो जरूर जिसे मैं मुकर्रर रूप से सदाकाल प्रवेश करते हैं उस तन को पावन बना लेंगे ना। Certainly, he will first purify the body which he enters in a permanent way forever, won't he? और वो तन भी पावन तब बनेगा जब अपन को तनधारी आत्मा समझे। And that body will also become pure when that bodily being considers himself a soul. तो देखो ये ब्रह्मा भी पतित। So look, this Brahma is also impure. तुम जानते हो ये ब्रह्मा पतित है और वो पावन है। You know, this Brahma is impure and that one is pure. कौन? Who? ये ब्रह्मा पतित और वो ब्रह्मा कौन? This Brahma is impure and who is that Brahma? ये चतुरानन ब्रह्मा कहा जाता है। गाड़ी मुझवा। This one is called the चतुरानन ब्रह्मा, the one with the beard and a mustache. और वो पंचानन कहा जाता है। And that one is called पंचानन. एक मुकुटमुखी है। One head in him is ऊर्ध्वमुखी, facing upwards. तो वो पावन। So he is the father. ठीक है ना? It is right, isn't it? अभी ये कोई यहाँ नहीं बनाया है। Now this isn't made here. कौन? Who? वो पंचानन ब्रह्मा कोई यहाँ बनाया नहीं है। That पंचानन ब्रह्मा isn't made here. नहीं तो प्रश्न पैदा होगा कब बनाया? Otherwise, a question will arise. When was he made? नहीं ये तो अनादि ये चित्र भी है ना? No, he is in fact eternal. There is his picture as well, isn't there? कौन सा चित्र अनादि? Which picture, चित्र, is eternal? वो सारी दुनिया की खुदाइयों में भी मिला है, जहां तहां मिला है। It has also been found in the excavations of the entire world. It has been found everywhere. चित्र विचित्र नहीं, चित्र के विपरीत नहीं। It is चित्र, not विचित्र, not opposite to the चित्र। चित्र माने फोटो। ओहो, चित्र मीन्स फोटो। व्यक्तित्व का फोटो। फोटो ऑफ अ पर्सनालिटी। हाँ, शंकर का जो चित्र है वो कोई यहाँ नहीं बनाया गया है, वो तो अनादि है। स्टूडेंट कमेंट्स, यस, the picture of Shankar isn't made here, it is eternal. ऐसे नहीं कहेंगे कि कब बनाया? It can't be said when it was made. ये तो अनादि चित्र है ना भाई, ब्रह्मा विष्णु। Brother, this is an eternal picture, isn't it, of Brahma Vishnu? ब्रह्मा विष्णु बिकम्स ब्रह्मा।
अब कहते हैं कि शंकर जी तो बाप ही नहीं है, क्यों? Now they say that there isn't the question of Shankar at all. Why? Shankar to Nagbalamal. It is because Shankar is shown with snakes, scorpions, and spiders. Nahin. Hai? No. Student replies, he is. To kiski baat hai? Then it is about whom? वो जो शंकर वाली आत्मा है वो निराकारी स्टेज में जब सदाकाल के लिए टिक जाती है और उसमें कोई आत्मा का संकरण नहीं होता, तो देवता कही जाती है या मनुष्य कही जाएगी। When the soul of Shankar becomes stable in the incorporeal stage forever and there isn't the mixture of any soul in him, is he called a deity or will he be called a human being? Devata. He will be called a deity. Baki Brahma kaho, Vishnu kaho, Shankar kaho, ye koi bhagwan to nahi hai na? As for the rest, whether it is Brahma, Vishnu or Shankar, they certainly aren't God, are they? Hey, Bhagwan, devata hai. Student replies, are they? They aren't God, they are deities. Baki kahenge Vishnu so Brahma. As for the rest, it will be said, Vishnu becomes Brahma. सृष्टि के आदिकाल में विष्णु था, वो सृष्टि के अंत में आकर के ब्रह्मा बन दाढ़ी मूछ वाला पति। द वन हु वाज विष्णु इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड ही बिकेम ब्रह्मा द इम्प्योर वन विद अ बियर्ड एंड अ मुस्टैच एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और जो सृष्टि के अंत काल में कलयुग अंत में ब्रह्मा, सो सृष्टि के आदिकाल में विष्णु। And the one who becomes Brahma at the end of the world, at the end of the Iron Age, becomes Vishnu in the beginning of the world. So Vishnu, Pavan or Brahma, Patita? So Vishnu is pure and Brahma is impure. Patita Brahma, so he Vishnu Pavan. The impure Brahma himself becomes the pure Vishnu. Aur abhi is purushottam sangam yug mein to ye sabhi Brahma, Vishnu, Shankar jaise ki baithe hue hai na. And now in this purushottam confluence age it is as if these Brahma, Vishnu and Shankar are all sitting, aren't they? और अभी जो बैठे हुए हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर है जो नामधारी पढ़ते हैं तो उनको पावन कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर हु आर सिटिंग नाउ दोज विद सच नेम्स विल दे बी कॉल्ड प्योर? अभी जो बैठे हुए हैं Those who are sitting now. अभी इनको पावन नहीं कहेंगे ना। They won't be called pure now, will they? हाँ, इनमें पावन बनाने वाला ये सिखलाते हैं। क्या सिखलाते? Yes, the one who makes the impure ones pure teaches us in them. What does he teach? सबसे पहले वह कौन सी बात सिखलाते हैं? What does he teach? First of all, अपन को आत्मा समझो। Consider yourself as a soul. सिखलाते हैं कि हे आत्मा, अपन को आत्मा समझ है, आत्माओं की बाप मुझे बेहद के बाप के साथ योग लगा। He teaches,
O souls, consider yourselves as a soul and have yoke with the Father of the souls, with me, the unlimited Father. देखो, बैठे हुए भी है. Look, he is also sitting. कब की बात? It is about which time? अर्थात की बात बताई ना, ब्रह्मा के तन में बैठे हुए है ना. आत्माओं का बाप. It was said about 1968, wasn't it? He, the father of the souls, is sitting in the body of Brahma, isn't he? Yes. बैठे हुए हैं और am object भी. He is sitting and there is also the am and object. वो am object की बात बेयर के बाप ने अच्छी तरह से समझाई दी. The unlimited father has also explained well about the aim and object. यहाँ और कोई भी सत्संग में इस दुनिया के कोई भी सत्संग में ये कोई की भी बुद्धि में ख्याल नहीं होगा. कोई कितने भी बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हों, सन्यासी हों, कि हम कोई यहाँ बैठे करके पावन बनते हैं. नो मैटर हाउ ग्रेट स्कॉलर्स पंडित टीचर्स और सन्यासी देर आर, नो वन वुड हैव दिस इन देयर इंटेलेक्ट हियर इन एनी सत्संग ऑफ दिस वर्ल्ड दैट वी बिकम प्योर सिटिंग हियर. क्या? What? इसे सत्संग में बैठ करके यहाँ पावन बनते हैं, कोई भी बुद्धि में होगा? कोई. Would this be in anyone's intellect that we become pure sitting here in this satsang? It won't. हम वहाँ पतित पावन को याद करके पावन बनते हैं. We become pure by remembering the purifier of the impure there. ऐसी तो दुनिया में कोई भी पाठशाला हो ही नहीं सकती जो वहाँ. There can't be any school like this in the world at all, which there. कहाँ? Where? भक्ति मार्ग के जो भी सत्संग हैं, उनमें बैठ करके कोई पावन पतित से पावन बना. No one sat and became pure from impure in the satsangs of the path of bhakti. देखो है तो सिंपल बात, सहज बात है ना. Look, it is certainly a simple thing, isn't it? सहज बात है. मुश्किल को सहज करने वाला बाप समझाते. The simple thing which the father, who is the one who makes something difficult into easy, explains. ये बात ढाई हजार साल से जब से मनुष्यों की हिस्ट्री है, ये बात लोगों को कठिन हो गई समझना कि सहज हो गई कि मैं कौन, मेरा बाप कौन और इस सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है. From 2500 years, from the time there is the history of human beings, did this concept become difficult for the people to understand, or did it become easy? Who am I? Who my father is? And what is the beginning, the middle, and the end of this world? ये समझना सहज हुआ या कठिन हो गया? Did it become easy or difficult for them to understand that? लोगों को कठिन हो गया ना. और ये बेहद का बाप, आत्माओं का बाप आकर के सहज करके समझाते. इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द पीपल didn't इट एंड द अनलिमिटेड फादर द फादर ऑफ द सोल्स कम्स मेक्स इट इजी एंड एक्सप्लेन्स इट. यहाँ फिर यही शिक्षा देते बच्चों को. द चिल्ड्रन रिसीव दिस वेरी टीचिंग हियर. क्या? What?
कि भले तुम अपने घर में भी जाओ तो अपन को आत्मा समझे बाप को याद करते हो। यू मे गो टू योर होम, कंसिडर योर सेल्फ एज अ सोल एंड कंटिन्यू टू रिमेम्बर द फादर। घर में भी जाकर के देह की स्मृति में न रहो, जब देह की स्मृति में नहीं रहेंगे तो देह के पदार्थ और देह के संबंधी याद आएंगे। डोंट बी इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द बॉडी ऑल्सो आफ्टर गोइंग होम। When you don't stay in the remembrance of the body, will you remember the materials and the relatives of the body? You won't. घर में भी रूहानी बाप ही याद आएगा। You will remember only the spiritual father at home as well. क्योंकि जिसके बच्चे हो रूहानी बाप के, देखो उनको ही तो याद करना है ना। It is because the spiritual father whose children you are, look, you have to remember him alone, don't you? अभी तो तुम्हारी बुद्धि में पक्का बैठ गया ना कि हम कौन हैं? Now it has sat firm in your intellect, hasn't he? Hasn't it? Who you are? आत्मा। You are a soul. हम कोई शरीर नहीं। You aren't a body. तो अविनाशी आत्मा है, शरीर तो विनाशी है और जन्म जन्मांतर विनाशी है। You are an imperishable soul. The body is certainly perishable and it has been perishable for birth after births. आज है, कल नहीं। Today it is there and it won't be there tomorrow. तो बाप भी कहते हैं। So the father also says. कौन सा बाप? Which father? लौकिक दुनिया के जो जन्म जन्मांतर के बाप वो नहीं कहते, न कोई धर्म पिता है बाप कहते हैं। The fathers of many births of the लौकिक world don't say, nor do any religious fathers say. वो भी तो पिता है ना, बाप है ना। They are also fathers, aren't they? वो भी नहीं कहते हैं। They also don't say. ये बेहद का बाप आत्माओं का बाप कहते हैं, निराकार आत्माओं का जो निराकार बाप है। निराकार माने? This unlimited father, the father of the souls says, the incorporeal father of the incorporeal souls. What does incorporeal mean? इन आंखों से देखने में नहीं आता, इतना सूक्ष्म है, ऐसे नहीं है कि निराकार है तो है नहीं। इट इज सो सटल दैट इट इजंट विजिबल थ्रू दीज आईज। एज फॉर द रेस्ट इट इजंट दैट इफ इट इज इनकॉर्पोरियल इट इजंट देयर एट ऑल। है तो लेकिन इन आंखों से या इस दुनिया के जो भी वैज्ञानिक यंत्र हैं उनसे देखा नहीं जा सकता। It is certainly there, but it can't be seen through these eyes or through all the scientific instruments of this world. देखा नहीं सकता, देखा नहीं सकता। इतना सूक्ष्म आती सूक्ष्म है। Can it be seen? It can't. It is so subtle, very subtle. तो वो आत्माओं का बाप भी कहते हैं, तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। So that father of the souls also says. You souls are my children. तुम किससे कहा? जो बाप के सन्मुख बैठे होंगे उन्हीं से कहा ना, तुम मेरे बच्चे हो। To whom did he say you? Those who must be sitting in front of the father, he said to them alone, didn't he? You are my children. तो ये निश्चय बुद्धि की बात है ना। This is about having a faithful intellect, isn't it? तुम बच्चे सन्मुख बैठे हुए हो, उनको ये बात निश्चय कर लेनी चाहिए ना। So, you children who are sitting in front of the father should determine this, shouldn't you? क्या हम किसके बच्चे? What? Whose children are we? हम रूहानी बेहद के बाप के
बच्चे हैं, बेहद के बाप के बच्चे थे और बेहद के बाप के बच्चे आगे भी रहेंगे। We are the children of the spiritual unlimited father. We were the children of the unlimited father and we will be the children of the unlimited father in future as well. रहेंगे कि नहीं रहेंगे? Will you be that or not? हाँ रहते हैं, देवानों में नहीं आते हैं कलयुग के अंत में। Do you stay as his children? Don't you become body conscious in the end of the iron age? कितना देवान में आ जाके? You become very body conscious. हाँ, तो अब ये तो पक्का हुआ कि उनको ही याद करना है ना? Now this has certainly become firm that you have to remember them alone, don't you? ये नहीं कहा मेरे को याद करना। It wasn't said you have to remember me. कहने वाला कौन? Who is the one who is saying it? ऊपर बैठ के कहता है। Student replies, does he say it sitting above? ब्रह्मा की तन में बैठ के जो बिंदी आत्मा अति सूक्ष्म बिंदी, बिंदी लंबाई चौड़ाई होती है क्या? ऊंचाई होती है नहीं? The point soul, the subtlest point, who is sitting in the body of Brahma, does a point have length and breadth? Does it have height? No. कितना भी छोटी छोटी बिंदी लगा लो, No matter how small a point you make. तो वो बिंदी को याद नहीं करना है। So you shouldn't remember that point. इसलिए कहा कि मैं आत्मा जो बिंदी हूँ, जिस बिंदी का नाम ही शिव है। This is why it was said, I, the soul, who am a point, the point whose very name is Shiv. तो सिर्फ शिव को नहीं याद करना, किसको याद करना? So you shouldn't remember just Shiv. Whom should you remember? उनको याद करना है जो मुकर्रर रथधारी आत्मा में शिव प्रवेश करते। You should remember that one, the soul bearing the permanent chariot in which Shiv enters. कहते हैं कि नहीं? Does he or not? हाँ, और सदाकाल प्रवेश करते हैं? Yes, and he enters forever. तो उनको याद करना है ना? So you should remember them, shouldn't you? बाप भी कहते हैं, तुम आत्मा मेरे बच्चे हो। द फादर ऑल्सो सेज यू सोल्स आर माई चिल्ड्रन। वॉट? सदाकाल बच्चे हो कि कभी हो कभी नहीं हो? आर यू फॉर एवर माई चिल्ड्रन और आर यू दैट समटाइम्स एंड समटाइम्स नॉट? बच्चे तो सदाकाल हो, लेकिन तुम संग के रंग में जब आते हो द्वैतवादी द्वापर युग से इन देहधारी धर्म गुरुओं के चक्कर में धर्म पिताओं के संग के रंग में आते हो, तो तुम अपनी आत्मा को क्या भूल जाते हो? यू सर्टनली आर माई चिल्ड्रन फॉर एवर, बट वेन यू कम इन द कलर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द ड्यूअलिस्टिक कॉपर एज, वेन यू कम इन द ट्रैप ऑफ दीज बॉडीली रिलीजियस गुरुज, वेन यू कम इन द कलर ऑफ द फादर, when you come in the color of the religious father's company, you what? Forget your soul. भूल जाते हो और उनके संग के रंग में अपन को क्या समझने लग पड़ते? You forget it. And what do you start considering yourselves to be in the color of their company? कि हम? वे? That you are a body. ये है कोई के ऊपर धीरे धीरे असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और कोई कोई जल्दी भी नौकर नहीं मिल जाए। This is true that some come under the influence gradually and some are influenced soon. तो ये निश्चय बुद्धि की बात है ना? So this is about having a faithful intellect, isn't it? और बाप बेहद का डायरेक्शन देते हैं।
कि बच्चों अब क्या करो. एंड द अनलिमिटेड फादर गिव्स डायरेक्शन, चिल्ड्रन डू व्हाट नाउ. अब जन्म जन्मांतर के जो अनेक बाप हुए हैं देह के, देह को जन्म देने वाले, उनको भूल जाओ. नाउ फॉरगेट द वेरियस फादर्स ऑफ द बॉडी हु गिव बर्थ टू द बॉडी इन मेनी बर्थ्स. इन देहधारी धर्म पिताओं को भी भूल जाओ. जस्ट फॉरगेट दीज बॉडीली रिलीजियस फादर्स. जैसे गीता में कहा है ना, क्या कहा? एज इट इज सेड इन द गीता, इजंट इट? व्हाट इज सेड? कुछ कहा कि नहीं? क्या? Has anything been said in the Gita or not? What? अरे एक अक्षर देखो, सर्वधर्मान परित्यज्य. अरे राइट वन सिलेबल, सर्वधर्मान परित्यज्य. सात धर्मों को त्याग दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कबीर पंथी ये पंथी वो पंथी. Renounce all the religions. हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन कबीर पंथी मीनिंग डिसाइपल्स ऑफ कबीर दिस पंथी एंड दैट पंथी. सात संप्रदाय को क्या? रिनाउंस ऑल द रिलीजियस सेक्ट्स. अब सब धर्मों को त्यागेंगे, मठ पंथों को त्यागेंगे तो उनके धर्म पिता को नहीं त्यागेंगे. इफ यू रिनाउंस ऑल रिलीजियंस ऑल द रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स वोंट यू रिनाउंस देयर रिलीजियस फादर्स? उन सब को त्याग दो. यू रिनाउंस ऑल ऑफ देम. त्याग दो मन. व्हाट डज रिनाउंस मीन? छोड़ दो. लीव देम. उनको बाप तो कहते हैं ना, धर्म गुरुओं को मारो गोली. द फादर डज से शूट दीज रिलीजियस गुरुज. और बाप डायरेक्शन देते हैं बच्चों को कि माँ में कम याद करने से. एंड द फादर गिव्स डायरेक्शन टू द चिल्ड्रन बाय रिमेम्बरिंग मी अलोन. यहाँ जब सीख जाओ कि माँ में कम ही याद करना है, उससे ही हमको सुख शांति सदा काल के लिए मिलेगी. व्हेन यू लर्न हियर दैट यू हैव टू रिमेम्बर मी अलोन, यू विल रिसीव हैप्पीनेस एंड पीस थ्रू दैट एवर. You will receive happiness and peace through that itself forever. तो माँ में कम को याद करने से पीछे तुम इस दुनिया में कहाँ भी चले जाओ, भले विलायत में चले जाओ, कहाँ भी चले जाओ, मेरे को याद करते रहो. So by remembering me alone, later you may go anywhere in this world, you may go abroad, you may go anywhere. Keep remembering me. बाकी ये है, कोई स्थूल में किसी चीज को या किसी व्यक्ति को सिर्फ याद नहीं करना है. As such, you shouldn't just remember something or any person physically. ये कोई स्कूल में याद करना है. Or should you remember in some school? नहीं, कोई स्कूल में सिर्फ याद करने की बात नहीं है. नो, इट इजंट अबाउट रिमेम्बरिंग द फादर जस्ट इन सम स्कूल. तुम कहां भी जाओ. यू मे गो एनीवेयर. कि भाई ब्रह्मा के द्वारा जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम खोले, यहां चले जाओ. यू मे गो टू द ब्रह्म कुमारी आश्रम्स विच आर एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रह्मा. या बाप ने ब्रह्मा के मुख से बोला. और द फादर सेड थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा. क्या बोला? व्हाट डिड ही से? बाप ने रूहानी बच्चों को बोला कि तुम क्या करो. द फादर आस्क्ड द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन टू डू व्हाट. तुम वो ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा करके क्या कर दो. What should you do by removing the word Brahma Kumari? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखो तो. Right, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय. तो उसमें चले जा. You may go there. चले जाओ कि नहीं? हाँ चले जाओ. Should you go or not? Yes, go.
तो ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में या आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय में जाने से ही तुम आत्माओं को बाप को याद करना है, नहीं। सो इट इजंट दैट जस्ट बाय गोइंग टू द ब्रह्म कुमारी विद्यालय और द आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय यू सोल्स हैव टू रिमेम्बर द फादर? नो, विद्यालयों को छोड़ करके या गीता पाठशालाओं को भी छोड़ करके दुनिया में कहीं भी चले जाओ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी चले जाओ, क्या करना है? लिविंग दोज विद्यालयस और द गीता पाठशालाज, यू मे गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, गो एनीवेयर, व्हाट शुड यू डू? एक रूहानी बाप को ही याद करना। यू शुड रिमेम्बर ओनली द वन स्पिरिचुअल फादर। वेद के बाप को ही याद करना चाहिए। यू शुड रिमेम्बर दैट अनलिमिटेड फादर अलोन। देखो बच्चे, रूहानी बच्चे हैं, वो अभी विलायत में भी जाते हैं या नहीं जाते? लुक, द चिल्ड्रन हु आर द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, डू दे ऑल्सो गो अब्रॉड नाउ और नॉट? नहीं जाते? जाते। स्टूडेंट रिप्लाइज, डोंट दे डू। जिस्मानी बच्चे ही जाते हैं, जो अपन को समझते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी। और डू ओनली द फिजिकल चिल्ड्रन गो हु कंसीडर देमसेल्व्स एज ब्रह्मा कुमार कुमारीज? हमारा कोई बाप का हमें पता ही नहीं। वी डोंट नो अबाउट अवर फादर एट ऑल। मुझे पूछो किसके बच्चे हैं तो क्या करते हैं? इफ यू आस्क देम हूज चिल्ड्रन दे आर, व्हाट डू दे आंसर? हम अम्मा के बच्चे। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द मदर। किस अम्मा के बच्चे? बड़ी से बड़ी जो अम्मा है, जो सारी दुनिया को जन्म देने वाली है ना, ब्रह्मा ने बड़ी मामा ने, हम उसी के बच्चे। बाप का नाम नहीं बताते हैं। विच मदर्स चिल्ड्रन? द मोस्ट सीनियर मदर हु गिव्स बर्थ टू द एंटायर वर्ल्ड। ब्रह्म मीन्स सीनियर एंड मा मीन्स मदर। वी आर हर चिल्ड्रन। दे वोंट टेल द फादर्स नेम, डू दे? जानते ही दे डोंट। दे डोंट नो इट एट ऑल। नहीं जानते तो बता देंगे क्या? विल दे टेल इट इफ दे डोंट नो इट? बता देंगे? नहीं बताएंगे। विल दे कांट। तो बाप बताते हैं कि तुम आत्माओं के बाप को ही याद करना चाहिए तुमको। सो द फादर सेज यू शुड रिमेम्बर ओनली द फादर ऑफ यू सोल्स। ऐसे नहीं कि सिर्फ दिल के रूप में याद करना चाहिए, नहीं। इट इजंट दैट यू शुड रिमेम्बर हिम ओनली इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट, नो। इसे सच्ची पर ही बाप है मौजूद, कौन सा? द फादर इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड इटसेल्फ। विच फादर? मुकर्रर रथधारी, जिसे गीता में नाम क्या दिया है? अर्जुन। द वन हु वेयर्स द परमानेंट चैरियट हु हैज बीन नेम्ड व्हाट इन द गीता? अर्जुन। अर्जुन माने? व्हाट डज अर्जुन मीन? अर्जन करने वाला। क्या अर्जन करने वाला? द वन हु अर्न्स। द वन हु अर्न्स व्हाट? गीता ज्ञान का गहराई से अर्जन करने वाला और अपनी सुख शांति की जिंदगी का जन्म जन्मांतर के लिए अर्जन करने वाला। द वन हु अर्न्स द नॉलेज ऑफ द गीता इन डेप्थ and who earns the life of happiness and peace for himself for many births? Sadbhagi ka arjan karne wala ki durbhagi ka arjan karne wala? Is he the one who earns good fortune or misfortune? Janam janamantar ka sukh dham, sukh ki duniya ka arjan karne wala. He is the one who earns the abode of happiness, the world of happiness for many births. To dekho, बच्चे जाते तो हैं विलायत में। सो लुक,
The children do go abroad. तुमको ये समझाया होगा कि जो बच्चे विलायत में जाते हैं वो विलायत से भी उनकी चिट्ठी आती है। You must have been explained that the children who go abroad, their letter come from abroad as well. कोई बच्चे का नाम बताओ जिसकी चिट्ठी आती हो। Name some child whose letter comes. चिट्ठी आती हो, ईमेल आ, वो भी चिट्ठी हो गई ना? Whether a letter or an email comes, that is also a letter, isn't it? कोई का नाम बताओ? Name someone. कोई का नाम नहीं है। अरे, don't you remember anyone's name? अरे कोई एक का तो नाम बता दो। अरे, at least name any one child. अरे लो, रोज वाणी है सुनते हैं। अरे लो, they listen to the वाणी every day. रोज रोज की वाणी बाप की सुनाई हुई बताई हुई सुनते हैं कि नहीं? Do they listen to the father's vani that is narrated every day or not? Shiv Baba. Student replies, Shiv Baba. अरे उस बच्चे का नाम बताओ जो विदेश में हो और भारत में भी आता जाता हो। अरे, name the child who is abroad and also keeps visiting Bharat. है बाप का बच्चा? रूहानी बच्चा। He is definitely the father's child, the spiritual child. एक का भी नाम याद नहीं? अरे बाप रे। Don't you remember even one child's name? Good heavens. लक्ष्मी का नाम याद है? हाँ, ये बात सही, लेकिन वो तो बच्ची है। Student replies, You remember Lakshmi's name? Yes, that is also correct. But she is in fact a daughter. Baba ne to bachcha pucha. Baba asked about a son. Brahma. Student replies, Brahma. Brahma videsh mein jata hai. Does Brahma go abroad? Wo to khalas ho gaya. He is certainly dead. Are अच्छा विदेश में रहता हो भारत में आता जाता हो उसी का नाम बता दो। अरे अच्छा, नेम समवन हु मस्ट बी लिविंग अब्रॉड एंड विजिटिंग भारत। वाह भाई, बाबा बोलते परम ब्रह्म, वो ये कोई नाम है? स्टूडेंट रिप्लाइज, वाह ब्रदर। बाबा सेज, परम ब्रह्म Is that any name? नाम तो देहधारी का होता है। A bodily being has a name. ये परम ब्रह्म है, ये कोई स्पेशल नाम तो पहचानने का है ही नहीं। The name परम ब्रह्म isn't any special name to recognize anyone at all. है, ये तो सारी दुनिया में जब प्रत्यक्षता होगी तब ही पता चलेगा कि वो परम ब्रह्म कौन है, बड़े से बड़ी अम्मा कौन है। When the revelation takes place in the entire world, only then will everyone come to know who that Param Brahma is, who the most senior mother is. अम्मा है तो फीमेल होगी या मेल होगी? If it is a mother, will it be a female or a male? फिर आदम। Student replies, Again आदम। आदम विदेश में जाता है? Does Adam go abroad? कमाल है। It is a wonder. आदम अभी विदेश में गया? Has Adam been abroad now? विदेश में है या भारत में बैठा होगा? Is he abroad or must he be sitting in Bharat? बोलो। Speak up. एक का भी नाम याद नहीं। अरे Don't you remember the name of even one child? Are you go?
ये कितनी बड़ी हो रही है, देर साइट निकली है। लुक देर आर सच एक्सीलेंट वेबसाइट्स। पहले नंबर की वेबसाइट कौन सी निकली? विच वॉज द फर्स्ट वेबसाइट अमंग देम? pbcase.com है ना, डॉट एंड गो pbcase.com isn't it? डॉट इनफो। ये तो याद है, लेकिन किसने निकाली वो नाम याद है। You do remember that, but you don't remember the name of the one who created it. Paul bhai ka naam yaad hai? Do you remember Paul bhai's name? Ha, to phir batate kyun nahi? Baba is repeating the student's reply. Yes, then why don't you answer? Ha, to bilayat se bhi chitthi aati hai. So letter comes from abroad as well. लेकिन बाबा ने कहा वो युगल है। But Baba said it is a couple. क्या? What? इसकी चिट्ठी आती है वो युगल है। The one who sends the letter is a couple. विलायत से चिट्ठी आती, बताओ। The letter comes from abroad. Tell me. पहले युगल नहीं था भले, अभी तो युगल है। Although he wasn't a couple earlier, now he is a couple. अरे ऑस्ट्रेलिया से लकी भाई की चिट्ठी आती होगी बाबा के पास। अरे बाबा मस्ट बी रिसीविंग लॉकी भाई लेटर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। नहीं, हाँ नो, यस बताया युगल है। सो इट वॉज सेड इट इज अ कपल। विलायत में एक ही युगल है इस समय में। नाउ देर इज ओनली वन कपल अब्रॉड। जो वहाँ स्कूल खोल करके बैठा हुआ। They have opened a school there. क्या? What? स्कूल खोल करके बैठा, अभी अभी युगल गंदर भी व्यवहार करके गया हुआ। They have opened a school. That couple has recently left after having a गंधर्वी विवाह। ये तो बात कब की है? It is about which time? अभी की या सभी की? Is it about this time or of 1968? अभी की बात है। It is about 1968. ये सुना था तुम? Had you heard this? है? बच्चों ने सुना होगा। The children might have heard it. तो बाबा ने किसी ने बताया नहीं तो बाबा ने ही नाम बताया। No one replied, so Baba himself told his name. वो नारायण कुमार यहाँ था पहले। Earlier that नारायण कुमार was here. वो नारायण कुमार था, उसका बच्चा था। He was नारायण कुमार's son. तो वहाँ भी स्कूल? So he opened a school there as well. वो बायोस्कोप दिखलाया था ना? He showed a bioscope, that is film, didn't he? तो वहाँ भी वो बैठे हैं। So they are sitting there as well. और वहाँ भी उनकी यही धुन है। हमको पावन बनना है। एंड देयर टू दे हैव द सेम ऑब्सेशन, वी हैव टू बिकम प्योर। नारायण का कुमार बताया। द कुमार दैट इज चाइल्ड ऑफ नारायण वॉज मेंशन्ड। पावन बनना है,
ही हैज टू बिकम प्योर। और पावन बन करके ये हमें ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट है। एंड दिस इज द एम एंड ऑब्जेक्ट आफ्टर बिकमिंग प्योर। क्या वॉट ये माने क्या? दिस मीन्स वॉट? लक्ष्मी नारायण बनेगी। ऑफ बिकमिंग लक्ष्मी नारायण। देवता बनने का जरूर है। यू सर्टनली हैव टू बिकम अ डेटी। एम ऑब्जेक्ट तो यही है कि मैं नारायण बनू। दिस इज द वेरी एम एंड ऑब्जेक्ट दैट आई शुड बिकम नारायण। नक्शा, ये प्लान्स भी यही कहते हैं। बिकॉज द पिक्चर द प्लान्स ऑल्सो से द सेम। ये देखो है ना बैठे हुए। लुक दीज वंस आर सिटिंग aren't they? जानते हो कि ब्रह्मा पतित। यू नो दैट ब्रह्मा इज इम्प्योर। और वो देखो पवित्र। एंड लुक दैट वन इज प्योर। तो ब्राह्मणों के बच्चे हो ना तुम। सो यू आर द चिल्ड्रन ऑफ ब्राह्मिन्स aren't you? तो तुम भी ऐसे ही। सो यू आर ऑल्सो द सेम। ब्रह्मा भी ऐसे ही कहेंगे। दिस ब्रह्मा विल ऑल्सो से द सेम। तब तो वो तो तत्त्वम यू आर द सेम। ब्रह्मा क्या कहेंगे? व्हाट विल ब्रह्मा से? जैसे मैं ब्रह्मा दारू मुझे वाले मनुष्य से इंद्र से नारायण बनता हूँ। जस्ट एज आई ब्रह्मा बिकम नारायण फ्रॉम अ मैन From a human being with beard and mustache. बनता हूँ। Do I? सीधा बनता हूँ या indirect बनता हूँ? Do I become that straight away or indirect? पहले प्रिंस के रूप में जन्म लेता हूँ फिर नारायण बनता हूँ कि नहीं? बनता। First, I am born as a prince. Then, do I become नारायण or not? I do. जैसे मैं नारायण बनता हूँ तो नारायण तो तुम भी अपन को ऐसे समझो। जस्ट एज आई बिकम नारायण यू टू कंसिडर योर सेल्फ एज नारायण लाइक दिस। तुम भी पवित्र बना नारायण बनने के लिए और तुम बच्चे कहते भी हो। यू टू बिकम प्योर एंड मेक पुरुषार्थ टू बिकम नारायण एंड यू चिल्ड्रन ऑल्सो से। हाथ भी बच्चे उठाते हैं ना कि हाँ बाबा हम भी ब्राह्मण हैं। द चिल्ड्रन ऑल्सो रेज देयर हैंड डोंट दे सेइंग यस बाबा वी आर ऑल्सो ब्राह्मिन्स। जैसे आप ब्रह्मा नारायण बनते हो तैसे हम भी आपके बच्चे ब्राह्मण बन करके। जस्ट एज यू ब्रह्मा बिकम नारायण सिमिलरली वी Your children also, after becoming Brahmins, after becoming complete Brahmins. उस समय की बात बताई। It was said about that time. संपूर्ण ब्राह्मण की अधूरे ब्राह्मण। Complete Brahmins or incomplete Brahmins? Sampurna Brahman the avasat mein. Were they complete Brahmins in 1968? Nahin, adhure the ki sampurna the? No. Were they incomplete or complete Brahmins? Adhure the na. Student, incomplete. They were incomplete, weren't they? जब तक संपूर्ण पहले न निकले ब्राह्मण सो एक सेकंड में डिक्लेयर हो जाए। अंटिल द कंप्लीट ब्राह्मिन्स इमर्ज फर्स्ट अंटिल दे आर डिक्लेयर्ड ब्राह्मिन्स और डेटी इन अ सेकंड। बाबा ने डिक्लेयर किया ना? बाबा डिक्लेयर्ड देम डिडंट ही? कब? व्हेन?
लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? When were these लक्ष्मी नारायण born? आज से है 10 वर्ष से, बात बताई ना? It was said about 10 years less from today, wasn't it? तो ब्राह्मण याद कर करके बाप को हम नारायण बनते। So we Brahmins become Narayan by remembering the father continuously. देखो ये कैसी सहज बात है ना बच्चे, कि बाप को याद करें हम ब्राह्मण, तो हम ब्राह्मण नर से नारायण बने। Look how easy this concept is, isn't it children? That if we Brahmins remember the father, we will become Narayan from a man. Om Shanti. Om Shanti.